साथ ही समिति द्वारा धन श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का विचार बजट भाषण में शामिल किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। इसे लागू कब और कैसे किया जाएगा, इसका आकलन शासन प्रशासन कर रहा है। और अब राजस्थान सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन के परीक्षण की घोषणा के बाद प्रदेश के 86 नए शहरों में नगर पालिकाओं की चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को नवगठित नगर पालिकाओं के परिसीमन और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन 86 नगर पालिकाओं में कुल 1985 वार्ड है और सरकार की योजना थी कि दिसंबर तक चुनाव कराए जाएंगे। इसी कारण 26 अगस्त तक सभी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब सरकार नगरी निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि इन 86 निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें शामिल है दूदू, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बारा, बूंदी, टोक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सांचौर, जालौर, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, उदयपुर, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला ने कहा है कि बजट घोषणा के अनुरूप काम शुरू कर दिया गया है। नवगठित निकायों के परिसीमन और वार्ड आरक्षण का काम फिलहाल रोक दिया गया है। बोर्ड गठन के बाद नगर पालिका के पास कर्मचारी और संसाधन बढ़ जाएंगे। इसमें सफाई, लाइट, ड्रेनेज, सीवरेज मुख्य रूप से शामिल है। नई योजनाएं तुरंत लागू की जाएगी और मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाना अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी सभी नवगठित नगर पालिकाओं में फिलहाल सभापति के रूप में जिम्मा संबंधित सरपंच को ही दिया गया है। इन ग्राम पंचायतों में जो सबसे बड़ी है उसके सरपंच को सभापति और वार्ड पंच को वार्ड सदस्य माना गया है। स्थानीय निकायों में 1,36,000 पदों पर एक साथ चुनाव कराने के लिए 4,00,000 कर्मी, 3,00,000 फोर्स और 2,50,000 ईवीएम की जरूरत होगी। प्रदेश के पास अभी केवल 12,000 ईवीएम है। अब ऐसे में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। आपको कुछ चुनौतियों के बारे में बताते हैं। प्रशासकों से इस्तीफे लेने होंगे। घोषित चुनाव तारीख के बाद निर्वाचित बोर्ड और निगमों को भंग करना होगा। पुनर्गठन से लेकर ओबीसी आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत और निकाय चुनावों के नियमों में संशोधन करना होगा और चुनावी शेड्यूल को एक समान लाना होगा। इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, जब सरकार और प्रशासन मिलकर इसे लागू करने के तरीकों का आकलन करेंगे। राजस्थान में इस नई नीति का असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।